यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लाल शर्ट की वजह से बेगुनाह युवक की हुई हत्या, काशी मीरा से सनसनीखेज वारदात आई सामने। मुंबई से सटे काशी मीरा के हाटकेश परिसर से निर्दोष एक युवक की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की माने तो रविवार 29 अगस्त को हाटकेश में रहने वाले युवकों का गोड़बंदर में रहने वाले युवक के साथ बाइक की टक्कर होने की वजह से मामूली हाथापाई हो गई। बाइक टक्कर के बाद पीटने वाले गोड़बंदर के युवक ने अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मिलकर घटना के बाद गुस्से में एक निर्दोष युवक की पीट पीट कर महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उस युवक ने लाल टी शर्ट पहन रखी थी। बाइक टक्कर के बाद आपस में भिड़ गए युवकों में से एक युवक ने भी लाल टी शर्ट पहन रखी थी। आरोपी ने मृतक को सिर्फ इसीलिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जबकि मृतक का उस मारपीट से सीधा कोई संपर्क होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। काशीमीरा पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या और राइटिंग का मामला दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। एक संडे नाइट में जब 8:30-9 बजे कुछ दो लड़के लोगों के कुछ बाइक में कुछ इंसिडेंस हुआ था, बाइक का एक्सीडेंट का छोटा सा, तो उनमें से दोनों में कुछ झगड़ा हुआ और आपस में मारपीट भी हुई। वो तब तक कोई किसी को मालूम नहीं था। वो लड़का वहाँ से एक लड़का घोड़बंदर था और बाकी लड़के मेरा रोड अपने एरिया के थे। घोड़बंदर वाले लड़के को मारा था, वो घर पर जाके उसके घर वालों को और दोस्त लोगों को लेके दो मोटरसाइकिल और एक ब्रिजा गाड़ी में भर के इधर हाटकेश में आए और जिसको उसने मारा था उसको वो ढूंढ रहे थे। उसमें से कोई लड़का रेड कलर का शर्ट पहना हुआ था ऐसा उसका कहना था, तो उसको ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिला और वहाँ वो उसको उसने भी रेड शर्ट पहना था जो शुभम भोड़ करके लड़का था, उसको मारना चालू कर दिया। उसको हाथ पैर से दोनों ने बाकी जो सभी लोग थे उनने मारना चालू किया। उसमें वो लड़का जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद उनको लगा कुछ तो हुआ है, तो वो बाकी लोग भाग गए वहाँ से। वहाँ के लोगों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो इस हिसाब से रात को 10 बजे 10:15 बजे अपने को जानकारी मिलने के बाद हम लोग स्पॉट पे आए, सब छानबीन किया और जो मैयत था शुभम भोड़ उसके पिताजी की कंप्लेंट लेके सब आरोपी लोगों को निष्पन्न करके उसी रात तक हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो लड़का तो मतलब रेड शर्ट पहना था और ये इनके साथ में था नहीं है, अभी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन ये खाली टस्सन देने की वजह से, मतलब तुम मेरे को गाड़ी पे मेरे को ठोका या मेरे गाड़ी से ऐसा हो गया, इस वजह से एकदम सिंपल किरकोल वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। और जिसके साथ हो गया था उसमें गाँव वाले को लेके आया, खुद के पिताजी को लेके आया और ये इंसिडेंस हो गया। इसमें मामला तो 302 और राइटिंग का रजिस्टर किया है और खाली इसको हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं केस में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक लड़का जाके बोलता है अपने दोस्त को मारा है तो बाकी के सब लोग दोस्त आते हैं और फिर जो कोई सामने दिखता है उसको मारते है, इस वजह से इंसिडेंस हुआ है। और उसमें शुभम भोड़ की एक 18 साल की लड़की की नाक उसमें जान गई। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।